एसी के पूरे के पूरे कंपोनेंट को फिल्टर आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टी स्टेज या कैस्केड कनेक्टर। इसमें क्या होगा कि हम कई सारी स्टेज यूज करेंगे, तो कई सारी स्टेज को यूज करने से जो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्योर। इसमें मतलब एक स्टेज को यूज ना करके कई सारी स्टेज यूज कर लेते हैं, ये है मल्टी स्टेज फिल्टर कनेक्टर या कैस्केड कनेक्टर। और ये क्या हो गया आउटपुट, ये हो गई मल्टी स्टेज फिल्टर कनेक्टर। अब बैच देखना तुम्हें, तो बैच हम क्या लगा रहे थे, लगाते चले जाएंगे इनको इस तरीके से। यहाँ पे ये आ गया है किसके, ऐसे देखिए लेकिन देखो इनके सिंबल अलग अलग है सभी के। ये क्रिस्टल डायोड का सिंबल है, ये जीनस जेड बना दिया, एलईडी है तो लाइट एमिट करता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड है बाहर, और फोटो इस पर लाइट पड़ रही है, दो लाइट पड़ते हुए वैरेट का डायोड है। इसमें वेरिएबल कैपेसिटर दिखा देते हैं आउटपुट में, और ये सॉकेट डायोड है तो एस बना दिया, बोलो एस आ रहा है ना सॉकेट डायोड, सॉकेट डायोड में आधा ऐसे करके कट करके बना दिया, और ये टनल डायोड में ऐसे टी सा बना दिया, तो टनल डायोड होगा। सभी डायोड के दो टर्मिनल होंगे, ठीक है, दो टर्मिनल होंगे, एक दो, सभी के दो टर्मिनल है, लेकिन इनका नाम अलग अलग इसीलिए है क्योंकि ये अलग अलग यूज हो रहे हैं, ये कहीं यूज हो रहा है, ये कहीं यूज हो रहा है, ये कहीं यूज हो रहा है, तो यूज करने के आधार पर ये डायोड अलग अलग नाम पड़ गया इनका, ठीक है। और ये सभी मतलब डायोड, ये कैसी डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस में क्या होता है, करंट एक ही दिशा में फ्लो कर सकता है। ये क्रिस्टल डायोड में तुमने देखा होगा जब फॉरवर्ड बायस होगा तब ही करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इन सभी डायोड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। क्रिस्टल डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, रेक्टिफिकेशन में यूज किया जाता है। फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और रिवर्स बायस में डू नॉट कंडक्ट। डू नॉट कंडक्ट द करंट, फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, इसे करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कर रहा है और रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसलिए कैसी डिवाइस आएगी, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। और यूज कहाँ पे होता है, रेक्टिफिकेशन में, एसी को डीसी में कन्वर्ट जब भी करना होगा तब हम क्रिस्टल डायोड को लगाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर डायग्राम बना के दिखाते तो इसमें कितने जंक्शन होते हैं, पी और एन के बीच में एक ही जंक्शन है, दो लेयर है, पी एन और एक जंक्शन है। स्विच, ये स्विच की तरह काम करता है भाई, एक्स एस स्विच, स्विच की तरह इसीलिए क्योंकि स्विच क्या करती है, ऑन ऑफ। तो ये जब कंडक्ट करेगा तो ऑन हो जाएगा, और करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए स्विच की तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में ऑन हो रहा है और रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, इसलिए स्विच की तरह काम करता है। इसकी जो डोपिंग है, एक होता है हमारा कौन सा वाला डायोड, क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड की डोपिंग कम रखी जाती है, ये मैंने तुम्हें बताया नहीं, अब बता रहा हूँ। क्रिस्टल डायोड की डोपिंग क्या होती है, कम होती है, लेकिन जीना डायोड की जो डोपिंग होती है इट इज हैवी डोपिंग, अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटी जो मिला रहे थे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे थे और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे थे प्योर सेमी कंडक्टर में, उसी को कह रहे हैं डोपिंग। सो इट इज हैवी डोप, ये क्या होता है, हैवी डोप होता है। दूसरा इट इज हैवी डोप और इट इज किधर, इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज इन द सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स वाइज इन द सर्किट, इट इज सर्किट में हमेशा ये कैसे लगा रहता है रिवर्स बायस, और ये कैसे काम करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज इसका ये है, वोल्टेज रेगुलेटर,
वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है भाई। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये है कि आउटपुट में आपको कांस्टेंट वोल्टेज के लिए यूज करना है, तो इसको यूज किया था जीना डायोड को। आउटपुट में कैसे वोल्टेज चाहिए कांस्टेंट, जैसे कहीं 15 वोल्ट आ रहे हैं और आप चाहते हो कि 12 वोल्ट मिले, तो 12 वोल्ट का जीना डायोड लगा देंगे और आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा, 12 वोल्ट। तो ये सिंबल ऐसा देख लिया तुमने, इसको ऐसे लगाते हैं सर्किट में। तो ये हमारा जीना डायोड, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस, और ये इसका क्या हो गया नेगेटिव सिरा। तो नेगेटिव सिरा किसे लगाया जाएगा, पॉजिटिव से, और ये हो गया पॉजिटिव, तो ये किसे लगाया जाएगा नेगेटिव, और ये रेजिस्टेंस हो गई इसके प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस। यहाँ पे लॉ लगा दो, स्विच ऑफ करेंट लॉ, आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग, तो आई इक्वल टू आई एन प्लस आई जेड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस लगी होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं लगी होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और ये डैमेज हो सकता है, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है इसमें। और क्योंकि ये हैवली डोप्ड है, हैवली डोप्ड होने के कारण क्रिस्टल डायोड से इसका जो कोई तुम्हें ये पूछेगा इसका जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होगा कम होगा, इसका कम होता है। देखो इसका ये फॉरवर्ड वोल्टेज और ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस करंट, रिवर्स बायस वोल्टेज और ये क्या हो गया रिवर्स बायस करंट। तो इसका ये हम बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज, इसका ब्रेकडाउन देखो यही हो गया, और ये तुम्हारा ब्रेकडाउन किसका है, क्रिस्टल डायोड का। तो ये इसका जो ये ब्रेकडाउन यहाँ पे होगा, तो ये जीनर ब्रेकडाउन है और ये कौन सा ब्रेकडाउन है, एवलांसी ब्रेकडाउन। तो इसका कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाता है, कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कैसा है डोप्ड होने के कारण इसमें इम्प्योरिटी क्या है ज़्यादा, और इम्प्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी ज़्यादा, कम वोल्टेज पे लगाने पे करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये इसका हो गया जीनर, ये क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है एग्जाम में कि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है एवलांसी ब्रेकडाउन वोल्टेज से या ज़्यादा होता है, तो कम होता है। देखो ये कम वोल्टेज है यहाँ पर, ये क्या ज़्यादा, ये हो गया जीनर ब्रेकडाउन, और ये कौन सा ब्रेकडाउन है, एवलांसी ब्रेकडाउन। ये इसीलिए हो रहा है सर क्योंकि ये लाइटली डोप्ड है, इसमें डोपिंग कम अशुद्धि कम मिलाई गई है, इसमें ज़्यादा अशुद्धि मिलाई है, एवलांसी ब्रेकडाउन। रिवर्स बायस में वोल्टेज लगाते जा रहे हैं, एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये वही है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। राइट एमिटिंग डायोड, ये इसका सिंबल है, और इसमें लाइट एमिट हो रही है। ये कैसे लगाया जाता है सर्किट, वेट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड वाइज, कनेक्टेड इन फॉरवर्ड वाइज, देखो भाई एलईडी को यदि तुम रिवर्स वाइज में लगा दोगे तो ये जलेगी नहीं, तुमने देखा होगा एलईडी जब रिवर्स वाइज में होती है तो वो नहीं जलती, फॉरवर्ड वाइज में होता है तभी जलती है। तुमने एलईडी लाइव और रिवर्स वाइज में लगा रखी है, एलईडी जल नहीं रही, तुम्हें बोल रहे हो एलईडी ख़राब, एलईडी ख़राब नहीं है वो, एलईडी सही है, ठीक है। और फॉरवर्ड वाइज में लगाई जाती है, और ये इसका दूसरा पॉइंट देखो, ये किसकी बनी रहती है, गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड की, ये उनकी नहीं बनी रहती, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ये और पीएन जंक्शन क्रिस्टल डायोड किसका बना हुआ था, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, ये जर्मेनियम सिलिकॉन की नहीं होती, ये गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड मटेरियल की होती है, इट इज मेड ऑफ गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड, आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड की बनी जाती है। गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड मटेरियल की बनी जाएगी ये, ठीक है। और इसके अलावा इसको यूज कहाँ पे करते हैं, लाइटनिंग में यूज कर रहे हैं, एज इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं, एज इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं, और कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको, डिस्प्ले डिवाइस में, डिस्प्ले इसमें यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले जानते हो एलईडी डिस्प्ले हो गई, और तुम रेलवे सब स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ पे तुमने देखे होंगे वो डिस्प्ले,
जो वॉच होती है तो वो एलईडी होती है, तो डिस्प्ले में यूज़ कर रहे हैं और एज इंडिकेटर की तरह लाइटनिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो एलईडी में ये इस तरीके से तुमने देखा होगा, इस तरीके की एलईडी होती है और इसमें ऐसे करके होती है। तो ये वाला जो बड़ा संयोजक होता है ये इंडिकेशन के लिए होते हैं, दोनों बराबर नहीं रखे जाते, क्योंकि दोनों बराबर रखेंगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, तुम ये नहीं समझ पाओगे कैसे फॉरवर्ड बायस में कैसे रिवर्स बायस में। तो यहाँ पे ये जो बड़ा सिरा है ये NO पॉजिटिव वाला रहता है और ये छोटा वाला सिरा नेगेटिव कैथोड की तरह यूज किया जाता है। तब भी तुम सर्किट में लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ये पॉजिटिव यहाँ पे लगाओगे और नेगेटिव यहाँ पे लगाओगे तो ये जल जाएगी, अगर तुमने उल्टा लगाया तो जलेगी नहीं। तो यहाँ पे पूछता है कि जो एलईडी में जो बड़ा वाला सिरा होता है वो कैसा होता है, और छोटा वाला सिरा पावर कंजप्शन एलईडी का क्या ऐसा होता है, मिलीवोल्ट में नहीं मिलीवाट में, कंज्यूम्स वेरी लेस पावर। वेरी लेस पावर कंज्यूम करती है, इसलिए आजकल सभी जो एलईडी जो बल्ब आ रहे हैं वो सब किसके बने हुए हैं, एलईडी के। तो वेरी इट कंज्यूम्स वेरी लेस पावर, बहुत पावर कंजप्शन बहुत कम करती है, और इसका जो पावर कंजप्शन होता है एक एलईडी लगभग कितने वाट का होता है, मिली वाट भी नहीं है पूरा, देखो मिली वाट का पावर कंजप्शन रहता है एलईडी का लगभग। ठीक है, कितने वोल्टेज में प्रचलित हो जाती है इसका, 1.5 से 3 वोल्ट, इससे ऊपर नीचे भी दे रखा हो वो भी चलेगा, 1.5 से ऊपर इनके बीच में वो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका 5 से 3 वोल्ट के करीब होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स का क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू नंबर ऑफ वाट्स इनटू आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। मैं पूछ रहा था एक वाट एक मिली वाट की एलईडी कितने घंटे चले, मतलब कितने घंटे चले जिस पर एक यूनिट बना दे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, एक एक मिली वाट की है, इसका मतलब क्या 10^-3 की एलईडी है, एक मिली वाट का मतलब ये तो हुआ। नंबर ऑफ आवर्स बताने हमें एच, और ये आ गया 1000, 10^-3 नीचे आएगा तो क्या बना देगा, ये 10^3 ये क्या हो जाएगा, 10^3 और ये भी 10^3 है, तो ये कितना हो गया 10^6। 10^6 आवर्स इज इक्वल टू 10^6 आवर्स, बताओ 10^6 का मतलब हो गया 10,00,000 घंटे, बताओ 10,00,000 घंटे आराम से इसको जलाते रहना तब जाके एक यूनिट बनाएगी। वॉट की एलईडी है, सपोज डेट 10 वॉट की नहीं होती, 7 वॉट की होती है, लेकिन मान रहे हम 10 वॉट की एक एलईडी है और 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का क्या बल्ब है, ये दोनों कितने घंटे चले जिस पर ये एक यूनिट बना दे, ये बताना है तुम्हें। 10 वॉट की एक एलईडी और एक 1000 वॉट का बल्ब, 10 वॉट के आवर्स निकालने 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8000, तो ये तो कितने बना रही है, 100 घंटे में बना रही है, और ये देखो एक यूनिट बनाना है, 10 घंटे आवर्स निकालना है, और इसे क्या कर दिया हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 10 घंटे, ये 100 घंटे। अब देख लो भाई, ये 10 घंटे में बना रही है और ये 100 घंटे में एक यूनिट बना रही है, कौन ज्यादा चल रहा है, एलईडी। एलईडी को तुम एक यूनिट मतलब 5 रुपए के लिए, मतलब 5 रुपए आएंगे तब जब तुम 100 घंटे चलाओगे लगातार, लेकिन इसको तुम 10 घंटे चला दोगे तो 5 रुपए आ जाएंगे तुम्हारे पास। ऑपरेशन टाइम देखो किसका ज्यादा है, ज्यादा ऑपरेट हो पा रही है ज्यादा, ये वाली तुम्हारी एलईडी 100 घंटे तक और ये 10 घंटे तक ही। कैलकुलेटर 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, कितनी डिस्प्ले है, 7 डिस्प्ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेगमेंट, किसे कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितनी एलईडी होती है, 7 एलईडी थी, या तो चलेगी या बुझेगी। तो तुम जानते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज की जाती है ये, तो जब दो ही चीजें होती है, बाइनरी नंबर होते हैं, या तो 0 या 1। 0 पे क्या होगी, ऑफ होगी, और 1 पे क्या होगी, ऑन होगी। तो 0101 पे काम करेगी, हमने 7 एलईडियों को अगर दे दिया ऑन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, और 7 एलईडियों बोल गया तो कुछ भी डिस्प्ले पे दिखाई नहीं देगा। तो ये भी एलईडी लगी है, कितनी एलईडी लगी है, 7 एलईडी।